define minimum variance unbiased estimator, this definition is most important. First हम इसकी definition करते हैं. A minimum variance unbiased estimator or uniformly minimum variance unbiased estimator is an unbiased estimator that has a lower variance than any other unbiased estimator for all positive values of the parameter. यहाँ पे हम पैरामीटर क्या यूज करते हैं हमेशा थीटा. ये हमारी डेफिनेशन ऑफ मिनिमम वेरिएंस अनबाइज्ड एस्टिमेटर या कंसीडर एस्टिमेटर ऑफ जी ऑफ थीटा बेस्ड ऑन एक्स वन एक्स टू एक्स एन फॉर सम मेंबर्स ऑफ ए फैमिली ऑफ डेंसिटी पी थीटा वेयर थीटा बिलोंग्स टू ओम. इसे हम ओम बोलते हैं. ये क्या है हमारा एक पैरामीट्रिक स्पेस है. एन अनबाइज्ड एस्टिमेटर डेल्टा एक्स वन एक्स टू एक्स एन ये सभी क्या है प्रोडक्ट में है एक्स वन एक्स टू एक्स एन. तो आपने यहाँ पे कमेंट नहीं डालने हैं. ऑफ जी ऑफ थीटा इज यूनिफॉर्म मिनिमम वेरियंस अनबाइज्ड एस्टिमेटर इफ फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू ओम. फर्स्ट कंडीशन क्या है वेरियंस ऑफ डेल्टा x1 x2 xn is less than equal to variance of delta similar x1 x2 xn for any other unbiased estimator delta similar. Second condition क्या है theta cap is unbiased estimator of theta that means e of theta cap is equal to theta क्योंकि ये किसकी definition है unbiased की. अगर बाइज होता तो नॉट इक्वल आ जाता. इफ एन अनबाइज एस्टिमेटर ऑफ जी ऑफ थीटा एग्जिस्ट देन वी कैन प्रूव दैट देयर इज एन असेंशियली यूनिक मिनिमम वेरिएंस अनबाइज एस्टिमेटर. सेकंड क्या है इसकी प्रॉपर्टीज. प्रॉपर्टीज इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमेशा फोर मार्क्स में आती हैं. लेट टी कंप्लीट प्लस सफिशियंट मीन्स की कंप्लीट सफिशियंट एस्टिमेटर है. फॉर थीटा एज थीटा बिलोंग्स टू ओम देन फाई ऑफ टी इज इक्वल टू ई थीटा कैप अपॉन टी इज इक्वल टू टी इज अ यूनिक अनबाइज एस्टिमेटर ऑफ थीटा. जनरल प्रोसीड्यूर टू फाइंड एम वी यू ई ये हमारा मेन स्टेप है फॉर न्यूमेरिकल क्वेश्चन के लिए. पहले हमने क्या चेक करना है. फर्स्ट स्टेप होता है हमारा अनबाइज्ड एस्टिमेटर. सेकंड चेक करना है हमने सफिशिएंट. थर्ड कंडीशन होती है हमारी कंप्लीट एस्टिमेटर. अगर हमारी तीनों इक्वेशंस या तीनों डेफिनेशंस कंप्लीट प्रूव होती हैं देन हम उसको बोलेंगे मिनिमम वेरिएंस अनबाइज्ड एस्टिमेटर. ये आपको स्टेप जब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे तब पता चलेगा. अगर आपने वो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस नहीं देखे हैं या एग्जाम्पल और क्वेश्चंस नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक गिवन है आप वहां से देख सकते हैं. नाउ यहाँ पे हम कैसे लिख रहे हैं. फाइंड ए कंप्लीट सफिशिएंट स्टैटिस्टिक दैट इज टी. फाइंड एन अनबाइज्ड एस्टिमेटर ऑफ थीटा कैप. यूज राव ब्लैकवेल थ्योरम टू फाइंड फाई ऑफ टी इज इक्वल टू ई ऑफ थीटा कैप गिवन टी इज इक्वल टू टी. बट ज्यादातर क्वेश्चंस में मैं कैसे यूज कर रही हूँ पहले मैं अनबाइज्ड चेक कर रही हूँ देन सेकंड सफिशिएंट थर्ड कंप्लीट फिर तीनों कंडीशंस को मिला के मैं प्रूव कर देती हूँ मिनिमम वेरिएंस अनबाइज्ड एस्टिमेटर. आप कोई भी रूल फॉलो कर सकते हैं. नेक्स्ट क्या हो जाएगा फाई ऑफ टी इज मिनिमम वेरियंस अनबाइज्ड एस्टिमेट.